प्रणाम और हार्दिक नमन। संत धारा, जी हाँ, यही है वो वीडियो श्रृंखला जिसे आप पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के आराधक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। अब तक आपने संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव की कहानियां सुनी। पिछली बार मैंने आपको संत जनाबाई का परिचय दिया था, जो संत नामदेव के घर में एक दासी थी। जनाबाई का जन्म 1263 में परभणी जिले में गोदावरी नदी के तट पर एक गांव गंगाखेड़ में शूद्र जाति के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता दामा वारकरी आस्था के अनुयायी थे और उनकी माता करुंडा भगवत धर्म की भक्त थी। उनके माता पिता दोनों पंढरपुर के भगवान विट्ठल के प्रबल भक्त थे। वे हर साल वार्षिक पंढरपुर तीर्थ यात्रा पर जाते थे। बचपन में ही जनाबाई की मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता उन्हें अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले पंढरपुर शहर ले गए, जहां वो भगवान विट्ठल के मंदिर में रहकर पूजा पाठ करने लगी। एक बार संत नामदेव के पिता दमा शेठ शिंपी भगवान विट्ठल के मंदिर में आए। उनका जनाबाई के हाथ पर गलती से पैर पड़ गया। इस पर उन्होंने जनाबाई से क्षमा मांगी, फिर पूछा कि वो मंदिर में क्या कर रही है। तब जनाबाई ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। क्योंकि वो विट्ठल की एक अच्छी भक्त थी, इसलिए संत नामदेव के पिता ने उस नन्ही लड़की के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उसे गोद ले लिया। दमा शेठ शिंपी के परिवार में उनके पुत्रों में से एक थे नामदेव। नन्हे नामदेव ने जनाबाई को उसी क्षण से पसंद किया और खुशी के साथ अपनी बड़ी बहन के रूप में उसे स्वीकार किया। लेकिन नामदेव की मां परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के उपस्थित होने से बहुत खुश नहीं थी, मगर बाद में वो भी छोटी लड़की के प्यार और सादगी से प्रभावित हुई। जनाबाई ने युवा नामदेव की देखभाल की और जीवन भर, जी हाँ, जीवन भर उनकी दासी बनी रही। वो खुद को नामयांची दासी या नामदेव की दासी कहती। वो महाराष्ट्र में पैदा होने वाली लोकप्रिय महिला संत कवियों में से एक थी। पूरे महाराष्ट्र में महिलाएं जब अनाज को पीसती हैं तो उनके ही छंद गाती हैं। जनाबाई भगवान विट्ठल की प्रबल भक्त थी और उनमें काव्य प्रतिभा भी थी। उन्होंने अभंग रूप में कई दिव्य धार्मिक छंदों की रचना की। उनकी भावुक कविता भगवान के लिए उनके प्रेम से परिपूर्ण थी। नामदेव की सेवा करने और भगवान विठोबा की महिमा गाने के अलावा जनाबाई की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह दयालु भगवान विट्ठल जनाबाई के दैनिक घरेलू कामों में उनकी मदद करते थे। एक बार मंदिर के पुजारियों ने जनाबाई के ऊपर भगवान के एक आभूषण की चोरी का आरोप लगाया, लेकिन जनाबाई ने उनसे कहा बड़ी सादगी से कि भगवान पिछले दिन उनके घर आए थे और हो सकता है कि भगवान से उनके घर में आभूषण रह गए हों। जनाबाई की बातें सुनकर लोग उन्हें झूठा समझकर हंसने लगे और फिर चोरी के इल्जाम में जनाबाई को मौत की सजा सुना दी। हाँ, जैसे ही उन्हें लोहे के खंभे के पास ले जाया गया, जहां उन्हें फांसी हुई, वे भगवान की स्तुति करने लगे और देखते देखते वो लोहे का खंभा पिघल कर नदी में बह गया। वहां खड़े लोग इस चमत्कार को देखकर आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्त को बचा लिया था। और तब सभी को जनाबाई की महानता की अनुभूति का एहसास हुआ। जिन लोगों ने उनकी निंदा की थी वे भी घबरा गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। लोगों को विश्वास हो गया कि जनाबाई प्रभु द्वारा संरक्षित थी, भगवान का हाथ था उनके सर पर। जनाबाई भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त थी और उनमें काव्य प्रतिभा भी थी। औपचारिक स्कूली शिक्षा के अभाव में भी उन्होंने अभंग के रूप में कई दिव्य धार्मिक छंदों की रचना की। उन्होंने अपनी रचनाओं, अभंगों, जो उनके भजन थे, उसमें अपने जीवन के असंख्य अनुभवों को शामिल किया था। उनकी भाविक कविता पंढरपुर के विठोबा भगवान के प्रति उनके प्रेम से संतृप्त है। उनकी रचनाएं संत नामदेव के प्रति उनके भक्ति प्रेम, संत ज्ञानेश्वर के प्रति उनकी तीव्र भावना, संत चोखा मेला के प्रति महान भक्ति से परिपूर्ण है। सभी संतों के अच्छे गुणों के साथ सटीक जीवन रेखाचित्र प्रस्तुत करने में उन्होंने वास्तव में अपनी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी सरल भाषा ने आम आदमी के दिल को छू लिया। वो खुद कभी कभी भूल जाती थी कि संत नामदेव की दासी होने के अलावा उनका भी कोई अपना अस्तित्व है। वो नामदेव के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक थी और नामदेव की सेवा करने और भगवान विठोबा की महिमा गाने के अलावा उनकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उदाहरण के लिए अपनी कविता में
उन्होंने भगवान विठोबा को संबोधित करते हुए अपनी महत्वाकांक्षा का संकेत देते हुए गाया, मुझे इस दुनिया में जितने भी जन्म मिले प्रभु, उन सब में मैं पंढरपुर को देखती रहूं और हर जन्म में संत नामदेव की सेवा करती रहूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक पक्षी, सुअर, श्वान या बिल्ली के रूप में जन्म लूं। बस मेरी यही शर्त है कि प्रत्येक जन्म में मुझे पंढरपुर देखना है और नामदेव की सेवा करना है। यही नामदेव की दासी की महत्वाकांक्षा है। एक अन्य कविता में उन्होंने भगवान विठोबा से प्रार्थना करते हुए लिखा, हे हरि, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपका पवित्र नाम गाऊं। मेरी इस एकमात्र इच्छा को पूरा करें भगवान, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और सेवा को स्वीकार करें और मुझ पर दया करें। मैं अपनी आंखें और मस्तिष्क सिर्फ सिर्फ आप पर ही केंद्रित करना चाहती हूँ और आपका नाम अपने होठों पर रखना चाहती हूँ। इसके लिए दासी जनी आपके चरणों में गिरती है। ये जनाबाई के दर्शन का सार है कि किस तरह उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान विठोबा के प्रति उनकी भक्ति प्रखर और निश्चल थी। जी हाँ, ओहो, शंखनाद इंगित कर रहा है कि आज के एपिसोड को यही देना होगा विराम। अगली बार फिर सुनेंगे संत जनाबाई की आगे की कहानी। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।